हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। तो टुडे डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए देख लेते हैं। तो मैंने सिलेबस एक बार चेक करता हूँ। हमने सीक्वेंस स्टडी कर लिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग स्टडी कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी। ओके, कल थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था लेकिन उसके बहुत सारे पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस नहीं कर पाया। तो आज हम लोग टुडे डिस्कस nth टर्म ऑफ एपी। तो आइए, क्या होता है nth टर्म ऑफ एपी? तो nth टर्म ऑफ एन एपी, ओके, तो लेट एपी बी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी डॉट 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 आगे हम लोग लिखते जाएंगे। देन फर्स्ट टर्म टी वन इक्वल टू ए प्लस जीरो डी, सेकेंड टर्म टी टू ए प्लस वन डी, थर्ड टर्म टी थ्री ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, एंड टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी। तो देयरफॉर टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इन टू डी इज कॉल्ड द एंथ टर्म, वेयर A is the first term and D is common difference और N is number of terms। Okay, तो इसमें एक pattern आपको देख रहा है, आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं कि first term कैसे लिख रहे हैं, second term, third term और n term को हमने क्या लिखा है, nth term tn equal to a plus n minus 1 into d। Okay, तो students देखिए, first term T1 में A प्लस जीरो डी, तो यहाँ पर D क्या है, जीरो है, T1 में D जीरो है। और सेकेंड टर्म T2 में हम क्या लिखे हैं, A प्लस वन डी, यहाँ T2 है तो उसके साथ D के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T2 इक्वल टू A प्लस वन डी। थर्ड टर्म T3 है तो T3 इक्वल टू ए प्लस टू डी, एक कम हो रहा है, T1 से एक कम जीरो हो गया, T2 से एक कम वन हो गया, T3 से एक कम T2 हो गया, सॉरी D2 हो गया, D2 और D2 हो गया। तो इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे, T4 लिखना होगा तो ए प्लस थ्री डी, T5 लिखना तो ए प्लस फोर डी। इस तरह जनरल टर्म आएगा, एन टर्म के लिए बात करेंगे तो उसमें से एन में से वन माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हो गया टी एन टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रेकेट एन माइनस वन इन टू टी, तो हमारा आ गया टीएंथ टर्म। तो समझ में आया टीएन टर्म क्या है, इसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं। तो टीएंथ या किसी किसी बुक में एंथ भी लिखा रहता, तो सेम बात है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, टीएंथ एंथ एक ही बात है। तो टीएंथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी इज कॉल्ड द टीएंथ टर्म। ए क्या है, एन क्या है, डी क्या, मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आइए, इसमें कुछ नोट है, हम नोट के बारे में स्टडी करते हैं। नोट मैंने 1 2 3 4 पॉइंट, हमने 5 पॉइंट इस नोट करके मैंने लिखा है, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए नोट नंबर, नोट में फर्स्ट पॉइंट, द जनरल टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एल, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म के एल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल, और इसे लास्ट टर्म बोलते हैं। पॉइंट नंबर टू, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं ऊपर बता चुका हूं कि स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म है, ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो भी बिलोंग होंगे, एन का जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर आएगा। एंड थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड है, कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए d इक्वल टू जीरो देयर फोर देन ऑल टर्म ऑफ ए पी आर सेम। अगर d जीरो हो जाएगा तो ऑल d इक्वल टू जीरो मीन कॉमन डिफरेंस इन दैट सीरीज में जीरो हो जाएगा, देयर फोर दिस इंप्लाई देन ऑल द टर्म्स ऑफ ए पी आर सेम। फॉर एन एग्जाम्पल 2, 2, 2, 2 डॉट डॉट d इक्वल टू जीरो, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो d कितना हो गया 0 हो गया। d इक्वल टू पॉजिटिव साइन, d इक्वल टू पॉजिटिव, d पॉजिटिव होगा तो दिस इंप्लाई इंक्रीजिंग एपी। तो एग्जाम्पल लिखा 5.2, 3, 7/2, 4, 9/2 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डी इक्वल टू 1/2 आ गया। ओके और डी निगेटिव होगा, डी कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा तो सीरीज हमारा क्या होगी डिक्रीजिंग एपी होगा। डी जीरो होगा तो सेम सीरीज होगा, अगर डी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग एपी होगा और डी निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी होगा। तो इस तरह से हमने आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन किया। आइए 4 पॉइंट क्या होता है, इफ टी एन टी एन प्लस वन माइनस टी ए टी एन इज कॉन्स्टेंट। क्या है इफ टी एन प्लस वन माइनस माइनस टी एन इज कॉन्स्टेंट कॉमा देन फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर द सीक्वेंस इज एन एपी। तो ध्यान में रखे रहेंगे कि टी एन प्लस वन माइनस टी एन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो उस एन जो बिलोंग करेगा स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मतलब ए नेचुरल नंबर, कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ टर्म है कि इन एपी टी एन प्लस वन माइनस टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन इक्वल टू डी। मीन्स आपको कहने का मतलब है फिफ्थ पॉइंट में कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, कोई भी दो टर्म ले लीजिए उसमें से सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करिए तो वो क्या आना चाहिए, वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो उसी को हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से हम टोटल आपको नोट में 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपको आगे के लिए भी, 11th 12th में भी, 11th में जब सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ेंगे तो ये 5 पॉइंट वहां भी सिखाया जाएगा। तो ये पहले से ही आप सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम जनरल टर्म ऑफ एपी बताया, उससे हम 5 रिलेटिव टर्म बताए क्या क्या हो सकता है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर हमने 3 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, 66... इज 40। ओके तो बोला कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40, बोला कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, 66... इज 40। तो इसमें 40 टर्म जो है, 40 जो टर्म होगा उसका कौन सी टर्म 40 होगा ये हमें निकालना है। ओके तो फर्स्ट टर्म क्या है 72 फर्स्ट टर्म, सेकेंड हमें कॉमन डिफरेंस डी, तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 70 माइनस 72 इक्वल टू कितना है -2। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन, विच टर्म मतलब हमें एन निकालना है। तो हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इन टू टी, पुट द वैल्यू ऑफ दिस, टी एन का वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू पुट करिए, एन तो फाइंड करना है डी, तो दिस इंप्लाई टी एन इक्वल टू 40 लास्ट टर्म दिया हुआ है इक्वल टू ए इक्वल टू 72 प्लस एन माइनस वन एज इट इज ब्रैकेट क्लोज और डी इक्वल टू -2। ओके तो दिस इंप्लाई
40 A72 RHA साइड में है, LHA RHA साइड में है, LHA साइड में अगर साइन चेंज हो गया तो दिस इंप्लाई 40 माइनस 42 इक्वल टू ए माइनस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस ब्रैकेट ओपन होना मींस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n प्लस 2, दिस इंप्लाई माइनस 32 इक्वल टू माइनस माइनस 2n प्लस 2, ये जो 2 है दिस 2 किस साइड में, RHS साइड से LHS साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस 2 है, माइनस 32 है और ये प्लस 22 है, ये इधर से RHS साइड में जाएगा तो दिस इंप्लाई माइनस 34 इक्वल टू माइनस 2n दे दिया, तो n इक्वल टू दिस इंप्लाई n इक्वल टू 70 सॉरी n इक्वल टू 17, तो देयरफॉर 17th टर्म इज 40, तो n का वैल्यू कितना आ गया 17। तो हमने क्वेश्चन नंबर आपको एग्जांपल नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिए, आइए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो एग्जांपल नंबर 3 में आपको तो एक बार अच्छे से आप देखिए, मैं वही कंसेप्ट यूज किया हूँ जो मैंने आपको एंथ टर्म निकालने का कंसेप्ट बताया हूँ, तो मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा उसी कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और वीडियो जरूर देखिए। ओके तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th में, तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द 12th टर्म कॉमा 24th टर्म एंड n टर्म ऑफ एपी गिवन बाय 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट डॉट, तो आपको दिया हुआ है एपी आपको एक गिवन है, तो सॉल्यूशन वी है फर्स्ट टर्म 9 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मीन 13 माइनस 9, तो पता है आपको 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, या मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है, देयरफॉर 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, 17 माइनस 13 इक्वल टू 4, 21 माइनस, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गया है, यहाँ 20, 25 माइनस 21 इक्वल टू 4, तो हो गया, तो देख लिए कॉमन डिफरेंस आ गया ना कि कितना है कॉमन डिफरेंस 4, तो हमें एपी का जनरल फॉर्म या इन टर्म ऑफ एपी हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट इन टर्म ऑफ एपी विथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय, तो क्या हो गया टी एन मीन्स कहने का मतलब हमारा हो गया, यहाँ ए एन लिखा है तो हम चलिए इसको ए एन को ए एन भी बोल सकते हैं टी एन भी बोलते हैं, चलिए अभी हम ए एन से ही डिफाइन करते हैं, तो ए एन इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके अब देयर फोर एन का वैल्यू कितना है 12, पहले 12 के लिए सॉल्व करते हैं, तो देयर फोर ए 12 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वल टू ए प्लस कितना होगा 11 डी, ए इक्वल टू कितना आपको पता है फर्स्ट टर्म 9 है प्लस 11, डी कितना है 4 है, तो 9 प्लस 11 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 प्लस कितना होगा 11 इंटू 4 44 और प्लस 9 53, तो आपका आ गया 53। फिर हम ए फोर या टी फोर एक ही बात है, तो हमने इस बार ए फोर लिख दिया है मीन्स टी फोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो नीचे टी ही बना दिया, तो टी फोर हो गया, तो टी फोर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ एन के जगह पर 24 माइनस वन इंटू डी, तो इक्वल टू आप हो गया ए प्लस 23 डी, और ए का वैल्यू 9 प्लस 23 इंटू 4 इक्वल टू 101 आ गया, अब हमारा टी फोर भी निकल गया और एंड एक हमारा हमारे पास आ गया ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस
एन माइनस वन इंटू टी। तो इस तरह से हमने आपको ए एन डिफाइन किया।